राज्यसभा के लिए नामांकन शुरू 15 फरवरी नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है। प्रदेश में राज्यसभा की खाली इकलौती सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन की प्रक्रिया 11 से 3 बजे के मध्य पूरी की जाएगी। प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट खाली हो रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन विभाग ने सीट पर नामांकन प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसे विधानसभा सचिव के हवाले किया है। गुरुवार को विधानसभा निर्वाचन अधिकारी और सचिव यशपाल ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। मतदाता मतदान की तिथि मंगलवार 27 फरवरी निर्धारित की गई है। विधानसभा परिसर में मतदान का समय सुबह 9 से 4 बजे तक रहेगा। परिणाम देर शाम घोषित कर दिया जाएगा। मतगणना 27 फरवरी मंगलवार के दिन 5:30 बजे होगी, जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया 29 फरवरी को संपन्न हो जाएगी।